अगर आप भी लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो ये बात आपको ज़रूर जाननी चाहिए कि जिस कंप्यूटर का या लैपटॉप मोबाइल फ़ोन का आप यूज़ करते हैं उसमें जो कीबोर्ड होता है उसकी जो बटन दी होती हैं वह सीरियल वाइज क्यों नहीं होती है। और क्या आपको पता है कि ATM का पहले 6 पिन होता था लेकिन अब 4 क्यों हो गया? और क्या आपको पता है कि जल्लाद फांसी देते वक्त मुजरिम के कानों में क्या कहता है? तो इस वीडियो में आपको टॉप 10 फैक्ट्स बताने वाला हूँ। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपको हमारी बात पूरी तरह से समझ में आ जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके यार बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नंबर 10, देखिए ATM एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप सिर्फ 4 अंक के कोड डालकर अपने पैसे को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस कोड को आप डालते हैं वह पहले 6 अंक का होता था लेकिन बाद में इसे 4 अंक का कर दिया गया। कारण क्या है कि इनकी पत्नी जब एक बार ATM में गई तो उनको सिर्फ 4 अंक ही याद रहते थे और वो 2 अंक भूल जाती थी, जिसकी वजह से उनके हस्बैंड ने 4 अंक का कोड बना दिया और आज हम 4 अंक के कोड को यूज़ करके अपने पैसे को बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। नंबर 9, आपने कंगारू का नाम तो ज़रूर सुना होगा। कंगारू कैसा जानवर है जो कभी उल्टा नहीं चल सकता, और एक हाथी है जो कभी कूद नहीं सकता। जी हाँ, हाथी कूद नहीं सकता। नंबर 8, इस फोटो को ज़रा ध्यान से देखिए। जो इस फोटो में है वह एक ऐसी चींटी है जो भारत में तो बिल्कुल नहीं पाई जाती है, और इनके पूरे शरीर पर बाल होता है और यह चींटी चिली में पाई जाती है। और हाँ, इनको आप तनिक भर कम मत समझना क्योंकि इनका एक डंक जो है पॉइजन के बराबर है। अगर आपको एक काट लेना है तो आपकी डेड भी हो सकती है। नंबर 7, आई होप दोस्तों कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन का आप तो यूज़ तो ज़रूर करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि जिस कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन का आप यूज़ करते हो उसके कीबोर्ड जो होता है वह ABCD से स्टार्ट ना होकर QWERTY से स्टार्ट होता है। इस कीबोर्ड को बनाने वाले क्रिस्टोफर सॉल्स जब शब्दों की पद्धति और क्रम का निर्धारण कर रहे थे तो उन्होंने यह पाया कि जब क्रम को सीधा रखा गया यानी कि ABCD तो बटन जाम हो रहे थे और एक के बाद एक होने की वजह से दबाने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। उस समय टाइपराइटर में बैकस्पेस का बटन भी नहीं था, यही वजह है कि आपके कीबोर्ड में QWERTY शब्दों का इस्तेमाल किया गया ताकि टाइप करने में आसानी रहे। नंबर 6, दुनिया के 100 सबसे अमीर लोग एक साल में इतना कमा लेते हैं कि जिससे दुनिया की गरीबी को 4 बार ख़त्म किया जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 4 बार ख़त्म किया जा सकता है। नंबर 5, ऑफ ड्यूटी पर पैरामेडिक मैथ्यू मैकनाइट 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रही एक कार से टकरा गए और 118 फीट नीचे गिर गए। उन्हें कुछ गंभीर चोटें भी लगी लेकिन आश्चर्य रूप से वे ठीक हो गए। लेकिन मजे की बात तो ये है कि कार द्वारा फेंके जाने वाली दूरी के लिए इनके नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। नंबर 4, मूर्तियों पर एक घोड़े के पैर आपको बताते हैं कि मूर्ति की मृत्यु कैसे हुई। यह एक तरह से सिंबल है, इसे जरा ध्यान से सुनिए। यदि घोड़े के दोनों पैर सामने हो तो वह व्यक्ति युद्ध में मर गया। यदि घोड़े के सामने के पैरों में से एक हवा में है तो वे एक युद्ध से प्राप्त घावों से मर गए, और अगर घोड़े के दोनों पैर जमीन पर हैं तो वह व्यक्ति प्राकृतिक कारण से मर गया। आई होप आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नंबर 3, आई होप दोस्तों आप सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग तो ज़रूर करते होंगे, और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। उन्हीं में से एक है Amazon। जी हाँ, Amazon का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन इस लोगो को ज़रा ध्यान से देखिए। यह Amazon का लोगो है जो कि इसके नीचे एक एरो दी रही होती है। क्या आपको पता है इस एरो का मतलब? तो मैं बताता हूँ, बस आप वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। इस एरो का मतलब होता है कि यहाँ पर इनके पास हर चीज़ अवेलेबल है। जी हाँ, हर चीज़ अवेलेबल है, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पर मिल सकता है। नंबर 2, जब लोगों को पता होता है कि कोई उन्हें देख रहा है तब वो बहुत ही अच्छे से व्यवहार करते हैं। नंबर 1, भारत में फांसी देने से पहले जल्लाद मुजरिम के कानों में कुछ वाक्य कहता है, जरा इसे ध्यान से सुनिए। मुझे माफ कर दो, हिंदू भाइयों को राम राम, मुस्लिम को सलाम, हम क्या कर सकते हैं, हम तो हैं हुक्म के गुलाम।
अगर आपको इस वीडियो से जुड़े कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।